विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। रायसेन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रांची सांची विधानसभा में सभा को संबोधित किया। सीएम ने बहनों को भरोसा दिया कि उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अष्टमी के दिन भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आपको लगा होगा सब मुख्यमंत्री अष्टमी के दिन नहीं आ रहा है, लेकिन अकेले आने में बाकी जगह भी जा रहा हूं, क्योंकि चुनाव त्योहारों में ही आ गया। दशहरे के दिन भी प्रचार करूंगा मैं और दिवाली के दिन भी नहीं छोड़ूंगा। महावीर जय के लिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महाअष्टमी होने के बावजूद भी आज देवनगर में आप पधारे, आपने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया और भैया पे भरोसा किया। मैं भी आपको वचन देता हूं, जान भले ही चली जाए आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। दतिया में गृहमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा ने अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने शहर में एक रैली निकाली जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कांग्रेस उम्मीदवार पर जमकर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता खलनायक हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ये दुकानों से वसूली फिर करवा देगी। ध्यान रखो कि ये शेर की खाल में ये खलनायक है, खलनायक। मेरे दोस्तों, कांग्रेस के लिए गया कोई भी वोटर वोट, एक भी वोट अगर जाता है, अड़ोसी पड़ोसी को समझाना है, ये लाडली बहनों के 3,000 रुपया बंद करा देगा। 3,000 रुपया हर बहन को समझाओ, हर कार्यकर्ता के घर में ये 3,000 रुपया जो आने वाला है ये बंद कराएगा। नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आम गांव में एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कहा कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता बल्कि शक्तिशाली बना जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के कई बड़े काम हुए। कमलनाथ ने सिवनी के गोपालगंज गांव में चुनाव प्रचार किया। चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया। चुनावी माहौल में शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और झूठ की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। जहां नदी नहीं होती वहां पुल की घोषणा कर देते हैं। भाजपा के करप्शन के कारण निवेशकों को अब प्रदेश पर विश्वास नहीं। चुनाव में मतदाता प्रदेश की तस्वीर ध्यान में रखकर ही वोट करें। ये तो चौपट प्रदेश बन गया है, हर वर्ग परेशान है। चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नई नदियां, ये चौपट प्रदेश बन गया है। शिवराज सिंह जी आएंगे, घोषणा करें, 22,000 घोषणाएं करी हैं। आजकल तो उनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है। जो झूठ बुलवाना बुलवा लो, जहां नदी भी ना हो वहां पुल की घोषणा कर देंगे आपको। कि जब नफस नफस पर नजर नजर पर उतरना कमाल होता है, और नफस यानी कांटे, कि नफस नफस पर चलना कमाल होता है, नजर नजर पर उतरना कमाल होता है, और बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की चौथी सूची, जी एमपी की 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हुए हैं। पन्ना से महेंद्र वर्मा, मनगवा से प्रीति वर्मा, ग्वालियर पूर्व से विनोद गुर्जर, मैगांव से देवेंद्र सिंह गुर्जर मैदान में उतारे गए हैं। गोविंदपुरा से डॉक्टर विवेक परिहार, बंडा से सुनील जैन, जौरा से मणिराम ठाकर, गोहद से डॉक्टर एम एल माहौर, खरगापुर से श्याम रतन, महाराजपुर से पुष्पेंद्र यादव,
छतरपुर से, डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसौरिया देवतालाब से सीमा सिंह। तो ये तमाम वो नाम हैं जो एसपी ने जारी किए हैं, अपनी लिस्ट जो है जारी की है। एसपी के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हो चुकी है। ये तमाम नाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये इनको मैदान में जो है सपा द्वारा उतारा गया है। एमपी बीजेपी में टिकट को लेकर नेताओं के बगावती तेवर ढीले नहीं पड़ रहे। ग्वालियर में मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बीजेपी को भरोसा है कि आने वाले समय में नाराजगी दूर कर ली जाएगी। नारेबाजी करते ये लोग मुन्नालाल गोयल के समर्थक हैं, और इन लोगों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी का घेराव कर दिया है। ये लोग माया सिंह के टिकट का विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले इन लोगों ने सिंधिया के महल का भी घेराव किया और गार्ड से भिड़ गए। देखिए, हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है, और मैं न्याय न मांगने आए महाराज साहब एकदम, तो कि भाई हमारी ग्वालियरपुर की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको, क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति है जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया। बाद में जब सिंधिया घर से निकले तो उनकी कार का घेराव कर दिया। बाद में सिंधिया कार से उतरे और समर्थकों को समझाया। उधर समर्थकों की नाराजगी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टूक कहा कि सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, साथ ही नाराजगी को मत भिन्नता करार दिया। भारतीय जनता पार्टी की दो को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। नाराजगी केवल ग्वालियर में है ऐसा भी नहीं है, कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। कल जबलपुर में भी हंगामा देखने को मिला, ऐसे में भितरघात का खतरा है। लिहाजा पार्टी इससे कैसे निपटेगी, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। एमपी में कांग्रेस और एसपी के बीच सीट बंटवारे की टेंशन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के संदेश के बाद एसपी थोड़ी नरम जरूर पड़ी है, लेकिन बयानों के तीर अब भी चल रहे हैं। उधर बीजेपी गठबंधन में पड़ती दूसरी गांठ पर चुटकी ले रही है। इंडी गठबंधन में गांठ पड़ते दिख रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच सीटों पर अब तक सहमति नहीं बनी है। दोनों दलों ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एसपी ने तो कांग्रेस पर धोखा देने तक के आरोप लगा दिए। जो बताई थी कि अभी क्लियर करते हैं और लिस्ट में नाम बुनती, मध्य प्रदेश में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम वादा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बिना सरकार नहीं बनेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोग से क्या कहा कि कांग्रेस के साथ लड़ना है या बिना कांग्रेस के लड़ना? नहीं, ये बात अभी होगी, अभी नहीं हुई, अभी होगी। से मुलाकात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब आप लड़ना चाहते तो हमने कहा जी सर, तो बोले ठीक है। तो हम लोग तो पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने जो है फोन किया है, क्या उसके बाद भी समाजवादी पार्टी लड़ेगी? इसका मतलब क्यों नहीं लड़ेगी? चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव तो लड़ना ही है, चुनाव लड़ेंगे। अरे बात ये बिगड़ गई कि उन्होंने 6 सीटों को बोला था, उसके बाद मुकर गए, जहां हमको सीट देना था वहां नहीं दिया, तो बात कैसे बनेगी? घोषित कर दिया वहां, क्या वहां दूसरा घोषित कर दिया, तब कैसे बात बनेगी? हालांकि कमलनाथ के बयान से जो डैमेज हुआ उसे कांग्रेस की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव से एमपी कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की और सीटों पर मंथन शुरू हो गया। उधर गठबंधन की गांठ को मजबूत करने की कोशिशों पर बीजेपी ने चुटकी ली। और लोग ठगते हैं, जब ठगते हैं तो गाली गलौज भी करते हैं, जो आज हम कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के बीच में देख रहे हैं। शिष्टाचार तो कहीं है ही नहीं, और जब ये जब ठगबंधन जब चल रहा है, गाली गलौज देख रहे हैं, तो ये तो अभी शुरुआत हो रही है, ट्रेलर है। सीट बंटवारे की पैंच सुलझाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में दोनों दल मध्य प्रदेश में कौन सा रास्ता निकालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।
भोपाल में कमलनाथ की आवास के सामने भारी बवाल देखने को मिला। विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने खुद के ऊपर डीजल भी डाल दिया। डीजल डालकर खुद पर आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका भी। कई कार्यकर्ताओं ने खुद के ऊपर डीजल डाल दिया। टिकट कटने के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ की आवास पर मोरवाल पहुंचे। ये तस्वीरें आपके सामने, देखिए हंगामे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोरवाल का टिकट दरअसल काट दिया गया है। उनके बेटे लगातार विवादों में रहे हैं, उन पर रेप का आरोप है और उनके बेटे पर रेप का आरोप है और इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा उन्हें घेरती है। और अब जो है टिकट काट दिया गया है छवि की वजह से, नाम खराब होने की वजह से और कई सारे आरोप लगने की वजह से। अब जो है टिकट कटने के बाद हंगामे की तस्वीरें, समर्थकों के साथ मोरवाल पहुंचे और कमलनाथ के घर का घेराव किया। धार की मनावर विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल का टिकट काटते हुए शिवराम कनौज पर विश्वास जताया। लेकिन मनावर विधानसभा सीट की प्रबल दावेदार पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल नाराज बताई जा रही हैं। तो वहीं रंजना बघेल ने कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेएस के डॉक्टर आनंद राय के कहने पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने उनका टिकट कटवाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिसके बावजूद उन्हें दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। अन्याय की वजह यह है कि मैं डॉक्टर राय के पास लड़ने गई थी भारतीय जनता पार्टी का जयस का, कि जयस के खिलाफ लगातार विरोध में जाता था भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर राय। और वो जो डॉक्टर राय है, उस राय के घर पे जाकर के मैंने दादागिरी की थी, झगड़ा किया था। और वो डॉक्टर राय कैलाश विजयवर्गीय जी से मिला हुआ है और उसने कहा है कि मेरे को टिकट नहीं दिलाना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय जी ने मेरा विरोध करके और मेरा टिकट कटवाया है। नरसिंहपुर में दुकान में आग लगी, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लगना बताई जा रही है, जहां पर लाखों का नुकसान भी हुआ है। करेली के इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लगी, चपेट में एक कार भी आ गई। दुकान के बाहर कार खड़ी हुई थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुएं का गुबार उठता हुआ साफ तौर से देख सकते हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण यह आग होगी। पूरी तरह से सामान जलकर खाक हो चुका है। कार बाहर खड़ी थी, वो भी आग की चपेट में आ गई और पूरी तरह से जलकर राख हो गई। और अब बात खरगोन की, जहां आबकारी विभाग की टीम ने बड़वा के जंगल में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान करीब 5 लाख कीमत का महुआ लहान और अवैध शराब बरामद की गई। साथ ही मौके से 3 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाया जा रहा है विशेष अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमान कर्मवीर शर्मा जी के आदेश पर एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशन में आज व्रत बड़वाहा में वन विभाग व आबकारी विभाग के संयुक्त अमले द्वारा तफ्तीश दी गई, जिसमें कुल 3 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए एवं 240 लीटर कच्ची हथबट्टी मदिरा एवं 4500 किलोग्राम महुआ लहान विधिवत मौके पर सैंपल लेकर नष्ट किया गया। आज की गई कार्रवाई में जब्त सामग्री एवं लहान की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपये है और यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। आगरमालवा में शिकंजे में नशे का सौदागर आया है। 3 करोड़ से ज्यादा का गांजा भी इससे बरामद किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने इसे पकड़ा और अब पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। बता दें कि आचार संहिता लग चुकी है और चेकिंग अभियान जोरों पर चल रहा है। इसी बीच बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आगरमालवा से जो है गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया। 3 करोड़ से ज्यादा का गांजा भी इससे बरामद किया गया है। देखते हुए सभी जिलों में चेकिंग की जा रही है, इसी तरह से आगरमालवा जिले में भी सतत रूप से SST, FST और स्थैटिक पॉइंट्स की मदद से चेकिंग की जा रही है। इसी अवधि में कल दोपहर बाद एक ट्रक SST तनोड़ या सातमोरी से गुजरा था, जिस पर ना रोकने पर अभी आगे जाकर के सूचना दी गई। रोकने पर ये ट्रक को चेकिंग जब की गई तो इसमें 5 क्विंटल 20 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत बाजार भाव में करीब करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपए की आंकी जा रही है।
विश्व कप हमारा है। जी हां, वर्ल्ड कप में भारत की लगातार पांचवी जीत दर्ज हुई है। 4 विकेट से भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। विराट कोहली ने बनाए हैं 95 रन, रविंद्र जडेजा ने बनाए नॉट आउट 39 रन, कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 46 रन, श्रेयस अय्यर ने बनाए हैं 33 रन, शुभमन गिल ने 26 रन बनाए हैं, केएल राहुल ने 33 रन बनाए हैं। बड़ी जीत दर्ज की गई है टीम इंडिया द्वारा। भारत ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया है। लगातार पांचवी जीत के साथ टेबल टॉपर बना है। बता दें कोहली ने 95 रन बनाए हैं और हर कहीं जश्न का माहौल अब देखा जा सकता है, क्योंकि ये शानदार जीत टीम इंडिया की हुई है। भारत ने 20 साल बाद न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हराया है। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार पांचवी जीत हासिल की है। टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में कीवियों पर 20 साल बाद जीत हासिल की है। नवरात्र को लेकर खरगोन जिले के ऊंद में महालक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के मौके पर महालक्ष्मी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये अपने आप में चमत्कारिक मूर्ति है। पूरी भारतवर्ष में महालक्ष्मी जी की सिंगल 6 हाथ वाली मूर्ति है। ये चमत्कारी के अपने आप में 3 रूप बदलती है माता जी का, और यहाँ जो भी मंशा और वो लेके आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, हम बहुत सालों से यहाँ पे आ रहे हैं, पर जो अभी परिवर्तन आया है माता जी में बहुत ही अच्छा है। 6 हाथ वाली माता जी देखना बहुत वो होता है, इसलिए पर हम लोग इतने सालों से देख रहे हैं, पर ये जो माता जी का रूप निखरा है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही दिव्य रूप है। आदि शक्ति माँ दुर्गा की उपासना और आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र पूरे देश में भक्ति भाव, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में नवरात्र पर माँ के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं सार्वजनिक स्थलों पर विराजित की गई है। वही बालाघाट जिले के बेहर में बेहर की रानी से प्रसिद्ध 251 स्वरूपों में सजे मां के दरबार की छटा ही अलग है, जिसे देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं। 251 माता की प्रतिमाएं हैं, और जो माता के रूप है 251 नहीं, हजारों रूप हैं और हजारों नाम हैं, लेकिन जितना समर्थ हो पाया कि इन रूपों को और इनके नामों को अपन आने वाले भविष्य में बच्चों तक पहुंचा सके, इसलिए इनकी प्रतिमाओं को यहाँ बिठाला गया है, ताकि आने वाला सनातन धर्म में जागृति रहे कि हमारे देवी देवता इतने हैं, इतने नाम भी और इतने रूप भी हैं। और इसी को नव दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड बैया ने यह प्रदर्शित किया है। यहाँ भंडारे का कार्यक्रम 12 बजे से चालू होता है और 12 बजे से भंडारा 4 बजे तक चलता है, और सतचंडी यज्ञ होता है, और शाम को जो है महाआरती होती जो गंगा घाट। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मेहर वाली माता का सिंगार माता महागौरी के रूप में हुआ। विध्यांचल के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मेहर वाली माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए तड़के ही सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचे। उज्जैन में भी आज महाअष्टमी के पर्व को लेकर धूम है। माता के मंदिरों में भक्तों के दर्शन कर आशीर्वाद लिया जा रहा है भक्तों द्वारा। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में कलेक्टर ने पूजा की, इसके बाद धारा चढ़ाई गई। देखिए, ये इतनी सांस्कृतिक परंपरा हमारे देश की है और आदि काल से चली आ रही है। ये सौभाग्य है कि कलेक्टर होने के नाते ये पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। एक ही कामना है माता जी से, शहर में जिले में समृद्धि रहे, सुख शांति रहे। बाबा महाकाल और माता जी का आशीर्वाद हमेशा इस जिले के लोगों पे बरसता रहे। इसके पीछे की परंपरा कुछ इस प्रकार है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन की राजधानी हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य के राज्य में, तो कभी भी उनके राज्य में कोई
सुख विविधता आती थी, तो वो खुद यहाँ पे आके पूजा किया करते थे और उससे विविधता दूर हो जाती थी। तब से ये प्रथा चली आ रही है कि आज भी उज्जैन की सुख शांति के लिए उज्जैन के कलेक्टर महोदय खुद यहाँ पे आके मदिरा का भोग लगाते हैं माता जी को, ताकि उज्जैन में सुख शांति बनी रहे। मंदसौर में महाअष्टमी के पर्व पर प्राचीन नालछा माता मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा दिखा। माता नालछा का ये प्राचीन मंदिर अयोध्या के राजा दशरथ के समय का है और यहाँ पर भैरव और भवानी एक ही आसन पर विराजित हैं। मंदसौर की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंचे, माता रानी के दर्शन किए। नालछा माता के दरबार में भक्तों की भीड़ ये साफ तौर से नजर आ सकती है। राजा दशरथ के समय स्थापित किया गया था यह मंदिर और इसकी बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहां पहुंचते हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि माता रानी उनकी हर मनोकामना को पूरा करेगी। नालछा माता मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं, ये तस्वीर वहीं की आपको दिखा रहे हैं। मंदसौर में नालछा माता मंदिर है। महाअष्टमी के दिन, खास दिन पर ये धूम जो है महाअष्टमी की आज दिखाई दी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए और पूजा पाठ किया गया, माता रानी का श्रृंगार किया गया। नालछा माता के दरबार में भक्तों की भीड़ दिखाई दी सुबह से। बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल शारदीय नवरात्र के आठवें दिन मां महामाया देवी के दर्शन करने रतनपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मां महामाया की विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही प्रदेशवासियों को नवरात्र की बधाई भी दी। दुर्गा अष्टमी का आज दिन है और इसी पावन दिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महामाया मंदिर पहुंचे, देवी की पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मां महामाया के दरबार में सीएम बघेल पहुंचे, हाजिरी लगाई और माता रानी के दर्शन किए और उन्होंने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी नवरात्रि के पर्व की, अष्टमी के पर्व की। नवरात्रि का आज आठवां दिन है। इसी के साथ ही राजधानी रायपुर में दशहरा और रावण दहन की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया जा रहा है, जबकि 85-85 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला बनाया जा रहा है। और राजधानी में अब दशहरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी की। यहां पर अब अलग अलग तरह की रावण की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, 85-85 फीट तक की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। राजधानी में तेज हो चुकी हैं दशहरा की तैयारियां और उत्साह भी चरम पर है। 110 फीट के रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। और इसी के साथ ही MP दिनभर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।